नमस्कार दोस्तों, हमारा चैनल सिविल इंजीनियर विश्व खन्ना में सबको स्वागत है। तो आज का वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा, हम लोग जो माइग्रेंट फॉर्मेट सेटिंग करते हैं ना, माइग्रेंट फॉर्मेट सेटिंग करने के बाद लेवलिंग करना पड़ता है, ठीक है। तो माइग्रेंट फॉर्मेट लेवलिंग करने का सबसे फास्ट और आसान तरीका आप लोगों को बताऊंगा, ओके। और लेवलिंग कैसे करते हैं माइग्रेंट फॉर्मेट, वो भी आप लोगों को बताऊंगा, ओके। तो आप लोग ध्यान से सुनिए। तो पहले का टाइम में क्या करते थे हम लोग, लाइन दोरी यूज करके लेवलिंग करते थे, उसके बाद लेवलिंग पाइप यूज करके लेवलिंग करते थे। लेकिन उसमें टाइम भी कंज्यूम ज्यादा होता था और आपका लेवलिंग भी प्रॉपर नहीं होता था, ओके। तो हम लोग का भी मैकेनिकली माइग्रेंट फॉर्मेट को लेवलिंग करेंगे। तो मैकेनिकली बोले तो हम लोग माइग्रेंट फॉर्मेट लेवलिंग करने के लिए लेजर लेवलिंग मशीन यूज करेंगे, ओके। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, लेजर लेवलिंग मशीन यूज करके माइग्रेंट फॉर्मेट लेवलिंग करना, ठीक है। तो आप लोग को मैं पहले बता देता हूँ लेजर लेवलिंग मशीन का बारे में थोड़ा सा, ओके। तो आप लोग सुनिए, देखो लेजर लेवलिंग जो मशीन रहता है ना, वो पोर्टेबल रहता है और माइग्रेंट फॉर्मेट लेवलिंग करने के लिए तो आपका लेजर लेवलिंग मशीन को हम लोग ट्राइपॉड स्टैंड का ऊपर बैठाते हैं, ओके। ट्राइपॉड स्टैंड में लगा के लेजर लेवलिंग मशीन से हम लोग लेवलिंग करते हैं। और लेजर लेवलिंग मशीन में आपका तीन स्विच रहता है, एक स्विच आपका ऑन ऑफ का और दो स्विच ऑपरेटिंग का, एक वीएच बटन रहता है और एक आपका मोड बटन रहता है। मोड बटन बोले तो हम लोग मैनुअल मोड भी कर सकते हैं और सेल्फ मोड भी कर सकते हैं, ओके। और इसमें लेजर लाइट यूज होता है। तो लेजर लाइट जो यूज होता है ये आपका 25 मीटर तक डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। और 25 मीटर बोले तो फुट में 82 फीट डिस्टेंस कवर करते हैं, ओके। और मशीन में जो लेजर लाइट यूज होता है ना, तो लेजर लाइट को हम लोग हॉरिजॉन्टली भी घुमा सकते हैं और वर्टिकली भी घुमा सकते हैं, ठीक है। वर्टिकली लेजर लाइट को घुमा के हम लोग वर्टिकली लेवलिंग करते हैं और हॉरिजॉन्टली लेजर लाइट को घुमा के हॉरिजॉन्टली लेवलिंग कर सकते हैं, ओके। तो हम लोग इसमें जो लेजर लाइट यूज करते हैं ना, तो हॉरिजॉन्टली 360 डिग्री घुमा सकते और वर्टिकली 180 डिग्री घुमा सकते। तो आप लोग को मैं पिक्चर में देखा दूंगा और वीडियो भी देखा दूंगा, ठीक है, वहां से आप लोग आसानी से समझ जाओगे। और लेजर लाइट को हम लोग एनी कंडीशन में यूज कर सकते हैं। एनी कंडीशन बोले तो दिन में भी यूज कर सकते हैं, रात में भी यूज कर सकते हैं, ओके। तो लाइट, इसमें जो लेजर लाइट यूज करते हैं ना, तो लेजर लाइट को हम लोग कम ज्यादा कर सकते हैं, ओके, मोड बटन का हेल्प से कम और ज्यादा करने का आपका ऑप्शन भी रहता है मशीन में। जहां पे ज्यादा लाइट का जरूरत है वहां पे ज्यादा लाइट और जहां पे कम लाइट का जरूरत है कम लाइट। तो इसको तीन मोड में आपको लाइट को ऑपरेट कर सकते हैं हम लोग। तो अभी आप लोग समझ गए होंगे लेजर मशीन के बारे में, जो डिस्क्रिप्शन आप लोगों को दिया मैंने थोड़ा सा, ओके। इसके बाद आप लोग को मैं बताता हूँ लेजर लेवलिंग मशीन सेटिंग के बारे में, ओके। तो एग्जांपल द्वारा एक समझाता हूँ आप लोगों को लेजर लेवलिंग मशीन आप लोग कैसे सेटिंग करेंगे, ओके। अभी आप लोग को बताता हूँ मैं लेजर लेवलिंग मशीन सेटिंग का बारे में, ओके। तो आप लोग सुनिए। तो हम लोग माइग्रेंट फॉर्मेट को लेवलिंग कर रहे हैं, ये बात ध्यान में रखना अभी। तो मशीन को ऐसा जगह में सेटिंग करूंगा जहां से ज्यादा एरिया तक लेजर लाइट जा सके और ज्यादा एरिया का लेवलिंग कर सकते हैं कम टाइम में, ओके। तो अभी लेजर लेवलिंग मशीन को ट्राइपॉड स्टैंड का ऊपर सेटिंग करना है और
एक एग्जांपल ले लेता हूँ। माइबॉन फॉर्मर का जो बिल्डिंग में आप लेवलिंग काटोगे उसका फ्लोर टू फ्लोर है 2 मीटर 900 mm और स्लैब थिकनेस है 125 mm। ठीक है, मशीन को आप सेटिंग कर रहे हो 1 मीटर 500 में। ओके, मतलब 1.5 मीटर में आप मशीन को सेटिंग कर रहे हो। ठीक है, तो बिल्डिंग का इनर साइड में आप मशीन को सेटिंग कियो एक रूम में। ओके, तो फ्लोर टू फ्लोर हाइट आप लोगों को मैंने बताया 2 मीटर 900 mm, उसमें कंक्रीट का थिकनेस है आपका 125 mm। तो 2 मीटर 900 mm से 125 mm निकाल दोगे तो कितना मिलेगा 2775 mm। तो 2775 mm अंदर तक हो गया हाइट, मतलब स्लैब का नीचे तक। तो 2775 mm से आप 1.5 मीटर में आपका मशीन को सेटिंग की हो। ओके, लेवलिंग जो मशीन है लेजर लेवलिंग मशीन, और 1.5 मीटर में आप सेटिंग की हो। ठीक है, तो 2775 से 1.5 मीटर अगर निकाल दोगे तो कितना मिलेगा 1275 mm। ओके, तो 1275 mm आपको देखना है हाइट बराबर मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। ओके, तो लेजर लेवलिंग मशीन जो यूज कर रहे हैं उसके साथ ये जो हाइट देखने के लिए क्या यूज करेंगे आप लेवलिंग स्टाफ यूज करेंगे। ओके, आपका लेवलिंग स्टाफ का बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आप लोगों को देता हूं मैं। तो आपका जो सॉलिड लेवलिंग स्टाफ रहता है ना 3 मीटर हाइट का, मतलब उसको कम ज्यादा नहीं कर सकते हो, 3 मीटर ही हाइट रहेगा। और फोल्डिंग लेवलिंग स्टाफ जो 4 मीटर हाइट रहता है, मतलब फोल्ड कर सकते हो उसको। ओके, हम लोग माइबॉन फॉर्मर लेवलिंग करने के लिए फोल्डिंग लेवलिंग स्टाफ यूज करते हैं। ओके, तो जहां पे जैसा जरूरत रहता है रूम का अंदर में फोल्डिंग लेवलिंग स्टाफ ही यूज करते हैं। ओके, और लेवलिंग स्टाफ का लीस्ट काउंट है 5 mm। मतलब लेवलिंग स्टाफ से आप मिनिमम 5 mm तक मेजरमेंट कर सकते हो। ओके, और मैक्सिमम जितना हाइट रहेगा उतना तक लेवलिंग कर सकते। तो हम लोग अभी तक क्या किया है, तो माइबॉन फॉर्मर लेवलिंग करने के लिए एक फ्लोर में लेजर लेवलिंग मशीन को सेटिंग किया है और लेवलिंग स्टाफ यूज करेंगे तो लेवल मेजरमेंट करने के लिए। ओके, तो हम लोग लेजर लेवलिंग मशीन यूज करके आसानी से माइबॉन फॉर्मर को लेवलिंग कर सकते। ओके, तो आप लोग को मैंने बताया क्या 1275 mm आपको हाइट देखने के लिए मिलेगा। तो जहां पे आप मशीन सेटिंग किए हो वहां से आप सेल्फ मूड पे काट दोगे तो वो मशीन ऑटोमेटिकली रोटेट होगा। ओके, माइबॉन फॉर्मर का लेवल जहां जहां पे देखना है वही वही पे स्टाफ लेके जाना है। ठीक है, तो स्टाफ लेके जाना है मतलब एक रूम में आप काट रहे हो मान लो आप लेवलिंग, तो रूम का 4 कोना में और मिडिल में आप देख लो। ठीक है, तो वहां से आप लोग को पता चल जाएगा लेवल फॉर्मर का लेवल आपका डाउन है क्या अप है। फॉर्मर का लेवल बोले तो कंक्रीट का लेवल नीचे जहां पे आप फॉर्मर सेटिंग किए हो वो लेवल डाउन है क्या अप है। ओके, तो लेवलिंग स्टाफ आप लेके जाओगे तो वहां से 1275 mm आपको दिखाई देगा। अगर 1275 mm से ज्यादा दिखाई दे रहा है तो आपका कंक्रीट जो नीचे का फ्लोर का वो टाइट है, मतलब लेवल ऊंचा है। और जहां पे डाउन देखा देगा 1275 mm से वैसे आपका कंक्रीट डाउन है, मतलब आपका लेवल कम है। ओके, कंक्रीट का लेवल। तो आसानी से हम लोग माइबॉन फॉर्मर को लेवलिंग कर सकते इस तरह से। ठीक है, आप लोगों को मैं वीडियो देखा दूंगा। देखो, हम लोग का भी लेजर लेवलिंग मशीन से तो माइबॉन फॉर्मर लेवलिंग कर रहे हैं। तो माइबॉन फॉर्मर का लेवलिंग
अंदर में भी कर सकते हैं और स्लैब में भी कर सकते हैं। स्लैब का लेवलिंग भी इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं लेजर लेवलिंग मशीन यूज कर। तो लेजर लेवलिंग मशीन का एडवांटेज आप लोग को बता देता हूँ, ठीक है। तो एक नंबर है, हाई एक्यूरेसी के साथ हम लोग लेवलिंग कर सकते हैं। इसमें 1 mm भी डिफरेंट नहीं आता है लेवलिंग में, ओके। तो हाई एक्यूरेसी के साथ हम लोग माइबन फॉर्मर को लेवलिंग कर सकते हैं लेजर लेवलिंग मशीन का मदद से, ओके। और दो नंबर है, कम समय में हम लोग माइबन फॉर्मर लेवलिंग कर सकते हैं। और हम लोग का लेवलिंग का जो भी प्रॉब्लम रहता है ना, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है, क्योंकि जो बहुत जल्दी हम लोग को पता चल जाता है तो लेवलिंग का कहाँ पे फॉल्ट है, ओके। तो अगर प्रॉब्लम पता रहेगा तो सॉल्यूशन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ओके। और इसमें ज़्यादा मैन पावर का जरूरत नहीं है, ओनली 2 आदमी से आप माइबन फॉर्मर को लेवलिंग चेक कर सकते हो, ओके। और हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, लेजर लेवलिंग मशीन यूज करके माइबन फॉर्मर को लेवलिंग कर रहे हैं। तो एक चीज में आप लोग को कॉन्शियस रहना है, तो लेजर जो निकालता है मशीन से वो आँख में नहीं आना चाहिए, मतलब किसी भी इंसान का आँख में नहीं गिरना चाहिए वो लेजर, ठीक है, नहीं तो आँख डैमेज कर देगा। तो इसमें से दूरी रहना है। देखो हम लोग का भी लेजर लेवलिंग मशीन यूज करके हाई एक्यूरेसी के साथ कम समय में आपका लेवलिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग का भी समझ गए होंगे मैं जो जो समझा आप लोगों को लेवलिंग का बारे में, ठीक है। और इसमें किसी का कुछ डाउट रहेगा तो आप लोग मुझे कमेंट करो, कमेंट करके बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।